लेकिन आप वोट तो देते होंगे ना? वोट देते हैं, बीजेपी को देते हैं, जब तक जिएंगे तब तक बीजेपी को देंगे। मुल्ला मुलायम कितने साधुओं को मार दिए, जान से मार दिए, 1100 वर्षों तक मुसलमानों का शासन रहा, ये फिर मुसलमानों का शासन लाके और देश को लूटना और अपना जेब भरना चाह रहे हैं। तो अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं मोती झील पर रहता हूँ, एक संत निवास आश्रम करके छोटी सी जगह है, वहीं रहता हूँ। ये चुनाव में वोट डालते होंगे आप, यहीं के रहने वाले हैं? 94 के बाद, राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद वोट डालना शुरू किया, उसके पहले नहीं डालता था। अच्छा, तो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद आपने शुरू किया वोट डालना? वैसे हमारे पिता बाप दादे जनसंघ को वोट देते रहे, मैं नहीं देता था, जाता नहीं था, कुछ साधु होने के नाते रुचि कम थी। इस बार संत समाज में क्या माहौल चल रहा है? मैं कहीं आता जाता नहीं, लोगों से हमारा संपर्क है नहीं। लेकिन आप वोट तो देते होंगे ना? वोट देते हैं, बीजेपी को देते हैं, जब तक जिएंगे तब तक बीजेपी को देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इतिहास हमारे धर्म ग्रंथ में राम जन्मभूमि 550 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, ना जाने कितने राजा मारे गए, ना जाने कितनी सेना मारी गई, ना जाने कितनी आम जनता मारी गई, और मुल्ला मुलायम कितने साधुओं को मार दिए, जान से मार दिए, कितने उनके वहाँ के सेवक हजारों हाथ पैर टूट गए, घायल कर दिया इन लोगों ने, ये तो हत्यारे हैं, मुसलमानों के चड्डी और जूते साफ करने वाली पार्टी है, ये राष्ट्रभक्त नहीं है, हिंदू धर्म भक्त नहीं है, ये देशद्रोही हैं। जो राष्ट्र का हित चिंतन नहीं करे, अपने हिंदू धर्म का चिंतन नहीं करे, ये सब राष्ट्रद्रोही हैं। ये मुसलमानों को 1100 वर्षों तक मुसलमानों का शासन रहा, ये फिर मुसलमानों का शासन लाके और देश को लूटना और अपना जेब भरना चाह रहे हैं। मुसलमान इनको बख्शेंगे नहीं, अंत में इनको भी काट के फेंक देंगे, ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ये सब देशद्रोही पार्टियाँ हैं। ज़्यादा मुझसे मत बुलाओ। मैं वही एक अहम सवाल था कि बीजेपी ये कह रही है कि काशी सजा दिया है, राम मंदिर बन ही रहा है, मथुरा की बारी है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। मथुरा को सजाने की बात कर रहे हैं कि अगली बार हमारी हमें सरकार बताया मैं कि लोगों से मिलता जुलता नहीं, ये तो आप टकरा गए जी। हमें कोई जानकारी इस विषय में नहीं है। हमारी ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।